क्या हुआ जो आप लोगों को मालूम नहीं है, उसने कहा जिसने मेरे खिलाफ बयान दिया मैं तुम्हारी फलानी बच्ची को मार दूंगा, मैं तुम्हारे फलाने रिश्तेदार को मार दूंगा। मजबूर होकर उनको सुलह करनी पड़ी, पुलिस ने बीच में बैठ के सुलह करवाई। वो डीएनए मैच हुआ एसडीएनए के साथ, इनको पता लगा है। फिर 8 कत्ल किए इन्होंने कोटबास, 260 में इसके वालिद जिनका मल्ली खानदान से ताल्लुक था, एक फैसलाबाद के पार्टी से एक मुरब्बा जमीन ली काश करने के लिए ठेके पर, और जब वो उस पर कब्जा कर लिया उसके जाली कागज बना लिए, और क्योंकि वो फैसलाबाद से आते नहीं थे पैसे नहीं दिए, जब वो फैसलाबाद से आए तो आमने सामने हो गए, लड़ाई होगी, इन्होंने भी गोली चलाई, इन्होंने भी गोली चलाई, इसके वालिद ने इसके मामू को गोली मार दी और उन पर इल्जाम लगा दिया। क्यों 2013 के बाद से अभी तक ये खुला फिर रहा है? ये हमारा सिस्टम है ना।